हेलो गाइस, तो आज हमारी ब्रेजा कार है, यह है ZDI मॉडल। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके स्टीरियो में ब्लूटूथ को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो गाइस, हम बैठ चुके अपनी कार में, हम ये लगा देते हैं इग्निशन की। उसके बाद देखो आप, ये स्टीरियो ऑन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अपने डिवाइस में ब्लूटूथ ऑन करना है। ये मेरा ऑन है, देखो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, मारुति सुजुकी का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अभी आपको क्या करना है, जो हैंडल में स्टेयरिंग में बटन दिए गए हैं, इसको एक बार दबाना है ब्लूटूथ के को। नाउ यहाँ पे लिखा आ गया सेटअप। अब आपको इस वाले लेफ्ट हैंड में जो बटन दे रखा है, इसको एक बार प्रेस करना है, सेटअप ब्लूटूथ। इसके बाद एक और बार क्लिक करना है, यहाँ पे आ गया पेयरिंग। तो यहाँ पे अब आप अपने डिवाइस में देखेंगे कि वो आ जाएगा थोड़ी देर में। इसको एक और बार क्लिक कर लेंगे हम। यहाँ पे प्रेस की 1 2 3 4, इसका मतलब इसके पासवर्ड है। वो सर्च कर रही है अपनी तरफ से भी। और देखो यहाँ पे आ चुका है ये मारुति सुजुकी का वो ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। नाउ इट्स पेयरिंग, इट विल टेक सम टाइम। हाँ, तो यहाँ पे आ गया है इसका पासवर्ड डालने के लिए। इसका पासवर्ड वो हमने उधर देखा था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पेयर। नाउ हेयर ओप्पो A33s कनेक्टेड। ओके गाइस, थैंक यू। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी वीडियोस और देख सकें।